तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एटमिक्स में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रॉटवाइलर के बारे में, और दोस्तों इनके कुछ 10 प्रॉब्लम हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आप नए रॉटवाइलर लेने के सोच रहे हैं या फिर अगर आपके पास रॉटवाइलर है तो इसके 10 प्रॉब्लम क्या क्या आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम के बारे में जान के आपको बहुत ही फायदा होगा और आपके डॉग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम एम करते हैं कि 300 लाइक आप ज़रूर से पूरे कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इनका खाना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इन्हें नॉर्मली खाना देते या फिर घर का खाना वो देते हल्का फुल्का, तो दोस्तों इसकी हाइट बॉडी नहीं ग्रो करेगी। इनको अच्छा सा डॉग फूड आपको देना है और कैल्शियम न्यूट्रिशन वाला खाना इसको प्रोवाइड करना है, जिससे इसके हेल्थ और बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। तो दोस्तों जो सेकंड प्रॉब्लम है वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रॉटवाइलर है, बट दोस्तों सभी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रॉटवाइलर नहीं है, क्योंकि इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आगे जाके। अगर आप सेकंड टाइम डॉग ओनर हो तो दोस्तों आपके लिए बेगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता होता है कि कब इसको खाना देना है और क्या क्या करना है। तो दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों आप इसे अच्छा रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, जिसके कारण आपका डॉग जो है आपकी बात नहीं मानता और दोस्तों बहुत परेशान भी आप हो जाते हो। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो रॉटवाइलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉग ओनर है जो फर्स्ट टाइम होते हो तो भी वो रॉटवाइलर को अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, उनको जो सोशलाइज प्रॉपरली कीजिएगा, और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है इन डॉग को, तो ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग आप पहले से उनको दीजिएगा। और दोस्तों जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है बहुत एग्रेसिव होना। दोस्तों क्या होता है कि आप जब भी घर पे लेके आते हो तो उसको जो है गार्ड डॉग की तरह उसको रखते हो, तो दोस्तों ऐसे में क्या हो जाता है कि वो आपका जो रॉटवाइलर है बहुत ही एग्रेसिव, बाहर आप ले जाते हो तो दोस्तों कंट्रोल भी नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल जाता, आपकी बात भी नहीं मानता। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको बहुत ही गार्ड डॉग की तरह रखते हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको ज़्यादा ये करते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा वो एग्रेसिव होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको फ्रेंडली रखना है, घर पर भी खुला छोड़ के रखना है, जिसके कारण वो छोटे बच्चों के साथ और डॉग के साथ सोशलाइज भी अच्छे से हो जाए और आपके फैमिली के साथ अच्छे से रह सकेगा। इसके कारण वो ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहेगा और सबके साथ फ्रेंडली और अच्छा एक गार्ड डॉग बन के रहेगा। और दोस्तों जो चौथी प्रॉब्लम है इनके बोन्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों जब भी कोई रॉटवाइलर में पाया जाता है कि इनके बोन्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए जब भी आप नया पपी लेते हैं तो दोस्तों प्रॉपरली उसको जो है मल्टीविटामिन की टैबलेट या जो दवा होती है प्रॉपरली आप दीजिएगा और टाइम टू टाइम दीजिएगा। तो दोस्तों इससे में क्या होता है कि जो उसके बोन्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांग बन जाएंगे, नहीं तो आगे जाके इनको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हिप डिस्प्लेसिया हुआ, एल्बो डिस्प्लेसिया, ऐसे बहुत सारे डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले से कैल्शियम और मल्टीविटामिन की टैबलेट इन डॉग को ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड जो पांचवी प्रॉब्लम है इनका साइज़, ध्यान रखिएगा अगर आपका घर छोटा है और आप रॉटवाइलर लाने की सोच रहे हो, दोस्तों आगे जाके इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है और इनको थोड़ी घनी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका घर छोटा है तो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते, जिसके कारण उनके हेल्थ इश्यू आ सकती है। तो अगर आपका घर मीडियम साइज़ का हो या फिर लार्ज साइज़ का, तो दोस्तों आप इसे आसानी से रख सकते हैं। और फ्रेंड जो रॉटवाइलर की 6 प्रॉब्लम आती है वो है विंटर और समर। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन डॉग को ज़्यादा गर्मी भी नहीं पसंद होती है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं पसंद होती है। इन डॉग को जो है आप गर्मी में थोड़े से रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, जहाँ पे आप घर पे ला के रख सकते हो अंदर, जैसे कि इन डॉग को थोड़ी सी ठंडक मिलती रही। अगर आपके घर में थोड़ा सा कूलर है या फिर एसी वगैरह है तो उस रूम में भी आप इसे रख सकते हैं। और दोस्तों ठंडी में आपको इन डॉग के ऊपर स्वेटर ज़रूर से पहनाना है, और दोस्तों जहाँ पे थोड़ा सा गर्म जहाँ टेम्परेचर उस रूम में आप इस डॉग को रख सकते हैं, जैसे कि वो आसानी से रह सकेंगे। और दोस्तों रॉटवाइलर की जो 7 प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि घर की चीज़ें आपको कभी कभार तोड़ डालता है, जैसे कि आपके एक्सपेंसिव कभी कभार जूते हो गए या फिर आपके सोफ़ा वगैरह या सोफे पे तकिए होते हैं, तो दोस्तों ऐसे चीज़ें वो तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि उनका कभी कभार मूड अच्छा होता है और कभी कभार उनका मूड ख़राब होता है, तो भी वो आपके घर के जो है कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। और दोस्तों जो 8 प्रॉब्लम है वो है अकेला रहना। रॉटवाइलर ज़्यादा देर तक कम से कम 15 या 20 मिनट तक अकेला रह सकता है, बट उसे इन डॉग को जो है अकेला आपको घर पर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये डॉग जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर उदास हो रहेंगे।
तो आपका घर का कोई सदस्य घर में होना जरूरी है। अगर कोई भी होगा तो उसके साथ वो अच्छे से रह सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार आप बाहर जाते तो उसको अकेला छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों, रॉटवालर की जो 9th प्रॉब्लम है वो है इनके ट्रेनिंग और सोशलाइज। इन डॉग को कंपलसरी आपको पहले से सोशलाइज और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें नहीं देते तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपकी बात नहीं मानते। अगर आप इन्हें बचपन से ट्रेनिंग और सोशलाइज करते तो दोस्तों ये आगे जाके अच्छे गार्ड डॉग बनेंगे, फ्रेंडली रहेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। दोस्तों, जो 10th प्रॉब्लम वो है बच रहना। अगर आपके घर में बच्चे तो दोस्तों बचपन से ही आप उनके साथ रहने दीजिएगा, उनके साथ खेलने दीजिएगा, जिसके कारण आगे जाके वो बच्चों के साथ अच्छे फ्रेंडली रहेंगे और उनके साथ भी अच्छे से रहेंगे। क्योंकि कोई कोई डॉग ओनर क्या करते हैं कि जो बच्चों के साथ नहीं रहने देते तो उनके लिए थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ उनको अच्छे से रहने दीजिएगा, ताकि वो आपके बच्चे के साथ अच्छे से रह सकेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।